गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, बात करें आपके सेमेस्टर थर्ड की, तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, लेटरल शिफ्ट के बारे में करवाया था और उसका पूरा डेरिवेशन भी आपको मैं करवा चुका था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि बाद में न्यूटन ने और आपके जो हुक थे उन्होंने क्या डेवलप, उन्होंने क्या डिस्कवर करा कि हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना देख पा रहे थे जब आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रेक्शन होता, तो वहां पर आप इंटरफेरेंस का फिनोमिना देख पा रहे थे, ठीक है। कैसे देख पा रहे थे वो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा आपको अच्छे से, तब बताऊंगा किस तरीके से वो देख पा रहे थे, ठीक ठीक है। और वहां पर भी क्या हो रही थी, हमारी फ्रिंजेस फॉर्म हो रही थी, क्या हो रही थी, फ्रिंजेस फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना वही इंटरफेरेंस का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों के तरीके से उनका डेरिवेशन फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करना है हमको, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे उनके बीच का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालो क्या, पहले तो स्टार्ट करो, बता देता हूं मैं, ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है, ठीक है, जिसमें पार्ट ए यूनिट फर्स्ट करवा रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपकी पार्ट ए यूनिट फर्स्ट चल रही है। तो हेडिंग डालो क्या, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टिव लाइट इन थिन फिल्म्स, ठीक है, ये आपको लेट करना। अब हम आप इंटरफेरेंस का फिनोमेना फाइंड करेंगे कहां पर, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड थिन फिल्म्स के थ्रू, ठीक है। तो यहां तक आया, होप आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखो थिन फिल्म हमें कैसे लेनी है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा और हमें उसकी जरूरत भी होगी डायग्राम की, तो आप एक काम करें, इस हेडिंग को नोट करें, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा और इधर आपका डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, फिर इधर मैं आपकी थ्योरी भी करवाता रहूंगा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की हेल्प चलेगी, है ना, डायग्राम की हमको हेल्प लगेगी बार बार, क्योंकि हम फिर कोऑर्डिनेट्स अपने कैसे लोकेट कर पाएंगे, है ना, लाइंस ट्राइंगल वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आपके फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो फटाफट से बस आप एक बार हेडिंग नोट करें, उसके बाद मेरे साथ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखना, देखो हमने क्या करा, हमने एक थिन, आपकी एक थिन शीट को कंसीडर कर लिया, मान लो इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस आपकी टी है, टी क्या है, टी इसकी थिकनेस है, और म्यू मान लो क्या है, इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, म्यू इसकी क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अब देखो क्या हुआ, आपको पता ही है कोई भी लाइट अगर रेयरर से, क्योंकि ये एयर है, ये आपकी क्या है, ये एयर है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका थोड़ा डेंसर मीडियम ही होगा एयर से। अब कोई भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, और ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, तो आपको पता है क्या होता है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट क्या हो जाता है, वो हो जाता है रिफ्लेक्ट, कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्ट, और कुछ इसका पोर्शन क्या हो जाता है, रिफ्रेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी लाइट, क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है। चलो यहां तक भी आपको समझ में आया होगा मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, ठीक है भाई, इसका नॉर्मल पाथ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। अब वापस से ये एक पॉइंट निकल, अब देखो ये क्या जा रही है, अब ये रेयरर से डेंस, अब ये क्या हो रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, और मान लो ये क्या है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, इतने पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है कुछ पोर्शन इसका क्या हो जाएगा,
कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्ट भी होएगा। तो मान लो ये पोर्शन इसका क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। अब इधर भी सेम वही फिनोमेना चल रहा होगा, क्या ये क्या कर रही है? ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो कैसी हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये आपकी पैरेलल हो जाएगी इसके, ये वाली जो रे है ना, इस वाली रे के पैरेलल हो जाएगी। अब आप देखोगे ये बिल्कुल आपके दो उसकी तरह काम करेंगे, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे, क्योंकि सेम लाइट है तो सेम एम्पलीट्यूड, सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी वाले क्या होंगे, आपके दो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे। और यही आपका क्या करेंगे? इंटरफेरेंस शो करेंगे आपका इस मीडियम, हमें क्या दिखेगा? हमें इंटरफेरेंस दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर करूं, तो मैं आपका क्या करवाऊंगा? मैं रिफ्लेक्शन का करवाऊंगा आपको, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन का करेंगे तो देखो कुछ पोर्शन फिर यहां से भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना? तो कुछ पोर्शन यहां रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये नॉर्मल आ जाएगा, और फिर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये आपका इसके पैरेलल है। तो अगर आप इतना ना देखो और इतना पोर्शन देखो, तो ये वाली अगर मैं सिर्फ इनकी स्टडी करूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्रेक्शन नोट करूंगा। क्या करूंगा? रिफ्रेक्शन। अब देखो क्या, ठीक है, देखो क्या, ये एंगल आपका क्या होता है? आई होता है। ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी आपका कैसा हो जाएगा? आई हो जाएगा। इनके नाम रख लेते हैं, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ये ई और ये एम, ये एफ, ये मान लो ये जी, ठीक है, ये आपका जी हो गया। और मैंने क्या करा, अब मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। तो मैंने इस पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का नाम एन रख दो। तो पहले मैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन करता हूं, रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम ऐसा होगा जैसा रिफ्लेक्शन का होगा ना, बस फर्क इतना हो जाएगा इस फिगर को आप फिर ऐसे घुमा देना, सेम ही फिनोमिना चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन सबसे पहले करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? ड्यू टू रिफ्लेक्शन वाला कर रहे हैं हम, ड्यू टू रिफ्लेक्शन वाला। अब समझना, अब मान लो मैं पांच डिफरेंस निकालूंगा, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले दोनों एयर में पूरी तरीके से ट्रेवल करेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। यहां पर लिख दो क्या कि बीई इज पैरेलल टू, बीई इज पैरेलल टू जी एफ। और ये भी, ये सारी चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं, या आप खुद लिख सकते हो, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। क्या कि ये सब चीजें भी लिख दे रहा कि लाइट कंसीडर करो कि हमारे पास एक थिन स्लिट है ऑफ टी थिकनेस की, ठीक है, और उसमें एक लाइन ए बी आई, उसके बाद कुछ पोर्शन उसका पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, ये आपको लेकिन एग्जाम में लिख के आना है, ये जो जो मैंने बताया है ना इधर के डायग्राम में जो जो बनवाया, ये आपको लिख के आना है एज इज इट, ठीक है। मेरा अभी मेन फोकस है आपको डेरिवेशन करवाने का और समझाने का, समझा मैंने दिया है, लिखने वाली चीज समझा मैंने दिया, डायग्राम में भी बना दिया है, लेकिन बस आपको इस डायग्राम को समझ के लिखना है, वो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप एक काम करना, थोड़ी सी अपने हिसाब से जगह छोड़ के चलना कि आप इस पूरी फिगर को कितने अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। जो जो मैंने बताया सेम वैसे ही करना है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो यहां ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, आप समझ लो, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, ये आपका आई होगा, ये आपका आई होगा, ये 90 होगा, ये 90-I होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? आई। और ये क्या होगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ाई है रिफ्लेक्शन के लॉ से, तो आई को मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है क्या, हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। ये चीज आपको लिखनी भी है, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना, ये आपको लिखनी भी है ऐसे ही, क्या कि वी नो दैट
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और मुझे पता है क्या, अब यहां पर भी तो देखो ये लाइट क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट ही तो हो रही है, तो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां पर भी कौन सा लॉ लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पर भी वही लॉ लग जाएगा। चलो इतना तो हो गया, ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे इसका पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, पाथ डिफरेंस मैं फाइंड करूंगा बीई और आपका जीएफ में, ठीक है। नाउ द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये बच्चों मैं आपको सारा लिखाऊं, बिल्कुल ए टू जेड लिखाऊं, चलो लिखवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है कुछ ना कोई ना कोई बच्चा ऐसा आएगा जो बोलेगा कि सर हमसे लिखा नहीं गया, तो मैं आपको लिखवा देता हूं पूरा अच्छे से डिटेल में। चलो पहले क्या करेंगे, कंसीडर अ थिन, क्या दे रखी है आपको, फिल्म, ठीक है, कंसीडर अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, ऑफ थिकनेस टी, कंसीडर अरे इनसी अरे ए बी अरे कंसीडर अरे ए बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ फिल्म ऑफ फिल्म देन सम पार्ट ऑफ द रे विल रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट सम पार्ट ऑफ द रे इज सम पार्ट ऑफ द रे is refracted along the line BC as shown in figure. Now the same phenomena will occur when ray tries to come out of the film, ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, बाकी उसके बाद क्या लिखेंगे बताता हूं, नोट करो। ठीक है, चलो लिखो, नाउ पाथ डिफरेंस बिटवीन द
पैरेलल लाइट्स, पैरेलल लाइट्स बीई एंड बीई एंड जीएफ कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैन बी कैलकुलेटेड. ड्रो अ नॉर्मल, ड्रो अ नॉर्मल जीएन ऑन द लाइट रे, ऑन द लाइट रे बीई एंड ड्रो अ नॉर्मल सीएम on the surface of the film where I is the angle of incident and R is the एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज विल बी. अब देखो, अब इनके बीच में देखो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन कॉमन है भाई, एनी वाला पोर्शन और जीएफ वाला पोर्शन कॉमन है. क्यों? क्योंकि दोनों ही पोर्शन कैसे चल रहा है, एयर में, तो यहां तो स्पीड वगैरह सब कुछ सेम होगी. लेकिन पास डिफरेंस कहां पर होगा भाई? ये वाला पोर्शन देखो पूरा का पूरा स्क्रीन स्लिट के अंदर है और इतना पोर्शन फिर ये एयर के अंदर है. तो हम पास डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? जो ये थिन स्लिट के अंदर है इसमें से माइनस कर देंगे बीएन को, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा. यानी जब हम BC प्लस CG करेंगे, BC प्लस CG करेंगे, और क्योंकि किसके अंदर है, स्लिट के अंदर है, तो हमें म्यू से इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी भाई, इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, और माइनस क्या कर देंगे जो एयर वाला है यानी BN को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और वही हमको फाइंड करना है. ठीक है, अब किस तरीके से निकाल सकते हैं अब उस पर बात आएगी, है ना. अब हमको क्या चाहिए, हमको बीसी की वैल्यू चाहिए, सीजी की वैल्यू चाहिए और बीएन की वैल्यू चाहिए. तो बारी बारी अब इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे, है ना. बारी बारी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे. अब देखो इन दोनों अगर आप ट्राइंगल पे ढंग से ध्यान दो, कौन से वाले पे, बीसीएम और एमसीजी पर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ही ट्राइंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, तो आपका जो ये बीएम है ये आपका एमजी के बराबर होगा, यानी ये BM जो होगा ये आपका MG के बराबर होगा और BC आपका CG के बराबर होगा, यानी ये वाला आपका इसके बराबर होगा. ठीक है, सो आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, नोट करो, as BC is equal to CG, then हम क्या कर सकते हैं, mu. अब आप BC plus BC लिख सकते हो तो क्या आ जाएगा, 2 mu BC minus BN. ठीक है, ये आपका आ जाएगा path difference. ठीक है, ये आपका क्या देगा, पाथ डिफरेंस. एक काम करते हैं, इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं अपने पाथ डिफरेंस को. ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. अब हमको क्या चाहिए, अब हमको BC चाहिए, है ना, हम BC चाहिए. BC कहां है आपका, BC ये है, तो हमें जाना पड़ेगा क्या, इन ट्राइंगल BCM. ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो, BCM वाले ट्राइंगल में देखो. अब इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इस तरीके से. ठीक है,
आर आपका ये ना जो आपका सी है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला आपका एम है, तो ये आपका एम और ये आपका बी, ठीक है। और यहां से अगर मैं कोस आर को फाइंड करूंगा तो देखना कोस आर कैसे होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस में आपको क्या मिलेगा, बेस में आपको मिलेगा एमसी, और हाइपोटेनियस में आपको क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा, बीसी, और बीसी आपको चाहिए तो बीसी आप इधर लेके जाओ, तो बीसी आपका किसके बराबर आ जाएगा, एमसी बाय कोस आर के, एमसी बाय कोस आर के। अब आपका एमसी क्या है, एमसी आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, नॉर्मल है, और एमसी किसके बराबर होगा, आपकी थिकनेस टी के, ठीक है। एंड ऑल्सो तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, बीसी बराबर टी बाय कोस आर, क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या, बिकॉज जो आपका एमसी है वो आपका टी के बराबर है, ये आपका आ सकता है। देन आपकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, चलो इसको देन इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगी, एक्स इक्वल्स टू टू म्यू, अब बीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी बाय कोस आर माइनस बी एन। अब ये तो हमने पूरा फाइंड कर लिया, अब हमको क्या चाहिए, बी एन चाहिए, बी एन आपका कहां है, बी एन आपका कहां पे है, ये रहा बी एन, तो अब हमें इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो इसको, इक्वेशन नंबर टू लेट कर लो, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, चलो चलो आगे। अब हमको क्या चाहिए था, bn चाहिए था, तो हम जाएंगे किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल bnc, bnc। अब इस ट्राइंगल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, परपेंडिकुलर वाला आपका क्या है, n है, ये होगा n, आई ये रहा, इसको मान लेंगे हम क्या, g, g तो है ना, हाँ g है, बचा हुआ आपका क्या बचा, b। अब आपको क्या चाहिए, bn चाहिए, क्या चाहिए, bn चाहिए, ठीक है। मैं क्या निकालूंगा, इसलिए साइन आई निकालूंगा, तो साइन आई जब मैं निकालूंगा मेरे पास क्या आएगा, साइन आई क्या होता है, देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मेरा bn ही तो है, हाइपोटेनियस मेरा क्या आ जाएगा, mg, सॉरी हाइपोटेनियस मेरी क्या आएगी, bg, bg मेरी क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस, है ना, bg मेरी क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस। तो यहां से मेरा पास bn की वैल्यू क्या आएगी, bn बराबर क्या आएगा, bg साइन i, है ना, bn मेरा किसके बराबर आ गया, bg साइन i के बराबर आ गया, ठीक है। नाउ क्या होगा, देखो क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपको मैंने बता ही दिया, क्या नाउ bg जो है वो आपका किससे बना है, bg आपका बना है bm प्लस mg से, और आपको पता है क्या, आपका bm mg किसके बराबर है, bm के, तो इसको मैं लिख सकता हूं bm, क्यों, क्योंकि यहां पे लिख दो bm आपका mg के बराबर है, तो यहां से आपकी bg की वैल्यू क्या आ जाएगी, bg की वैल्यू आ जाएगी आपकी twice bm, क्या आ जाएगी, twice bm। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपकी क्या बन जाएगी, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, क्या टू म्यू टी बाय कोस आर माइनस बी एन, ठीक है, ठीक है। देन इक्वेशन थर्ड बिकम क्या बन जाएगी, बी एन इक्वल्स टू ट्वाइस बी एम, ट्वाइस बी एम साइन आई। अब हम तो बी एम,
bg equals to twice b है ना। अरे एक सेकंड यार, क्या गलती कर दी, मैं निकालने क्या वाला था, ओके मैं bn निकाल रहा था, वो bg sin i के बराबर आया था, और bg को जब मैंने निकाला तो वो twice bm के बराबर आया, तो यहां से मेरा bn जो है वो twice bm हो जाएगा, ठीक है bm, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे bm चाहिए, तो मेरे पास एक नई प्रॉब्लम आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट करो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या करो, 4 लेट करो। अब मुझे चाहिए क्या, ये bm चाहिए, अब मैं इस bm को कैसे फाइंड कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम इस bm को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो वापस से हमको जाना पड़ेगा इसी वाले ट्राइंगल में, ठीक है, वापिस से हमको इसी ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। चलो नोट करो, क्या आ रहा था मेरा, ट्वाइस बी एम साइन आई, मैं पे लिख देता हूं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्वाइस बी एम साइन आई। चलो अब चलो आगे, अब हमको क्या चाहिए था, बी एम चाहिए था, तो हम वापस से अपने कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल बी सी एम, वापिस से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कहां पे क्या बनेगा, आपका ये एम है, ये आपका सी है, और ये आपका बी है, ये आपका एंगल आर है। अब आपको क्या चाहिए था, बी एम चाहिए था, ठीक है, तो मैं निकालूंगा क्या, टेन आर अगर मैं निकालूंगा तो देख लो टेन आर मेरे पास क्या आएगा, टेन आर की वैल्यू देखना मेरे पास क्या आएगी, टेन आर मेरे पास क्या आएगा, टेन आर मेरे पास होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर मेरा यहां पर क्या है, बी एम, और बेस मेरे पास यहां पर क्या है, एम सी, टेन आर, बी एम मुझे चाहिए, बी एम मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटू एम सी इक्वल्स टू बी एम, और मेरा एम सी किसके बराबर है, एम सी मेरा इस थिकनेस टी के बराबर है, देन जो आपका बी एम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 R इंटू थिकनेस टी के, ठीक है, 10 R इंटू थिकनेस टी के, तो ये आपके पास एक आ जाएगी, है ना, इसको आप क्या मानो, इक्वेशन नंबर 4, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो हमको इस bm की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको इस bm की वैल्यू क्या मिल जाएगी, twice bn, मतलब जो आपका bn के बराबर आया था वो क्या आया था, bn equals to twice bm sin i equals to twice, अब bm की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं क्या, 10 r t और आपका क्या sin i, ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई है bn की, मान लो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 हमारे पास क्या गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी ये वाली इक्वेशन एंड 5 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 म्यू टी बाय कोस आर माइनस 2 10 R T sin I, ठीक है, ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास मान लो क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 6 आ गई, नोट करो इतना, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरा हर जगह एंगल ले रखा है R, तो एक काम करेंगे sin I को भी मैं ट्राई करूंगा कि R की फॉर्म में लेके आऊं, तो किस तरीके से मैं sin I को R की फॉर्म में ला सकता हूं, तो एक तरीका है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो आपका क्या है, रिफ्रेक्शन के लिए काम आता है, जो आपका क्या बोलता है देखना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपका क्या बोलता है, जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है साइन आई बाय साइन आर के, यही बोलता है साइन आई बाय साइन आर के ही तो होता है ना, हाँ ठीक है, तो यहां से आपका
साइन आई किसके बराबर आ जाएगा? म्यू साइन आर के। इसको मान लो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 7 and 6 वी गेट, तो क्या करेंगे साइन आई की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 2μt/cos r - 2 tan r t। अब साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू साइन r, है ना, ठीक है। आगे x इक्वल्स टू कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, म्यू कॉमन है, t भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो बचेगा क्या आपका 1/cos r - अब tan r को मैं लिख सकता हूं क्या, sin r / cos r, और इधर बचेगा सिर्फ sin r into sin r, यही आपका बचेगा। तो देखो इधर cos r भी कॉमन आ गया, तो cos r भी बाहर आ सकता है, ठीक है, नोट करो। तो अब देखो मेरे पास cos r भी बाहर आ जाएगा, तो cos r भी जब मैं बाहर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, x equals to 2μt/cos r, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, 1 - sin r sin r sin square r। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, 1 - sin square r किसके बराबर होगा, वो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि मैथ्स का आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, वी नो दैट क्या कि cos स्क्वायर r प्लस साइन स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 क्या होता है, तो यहां से आपका cos स्क्वायर r किसके बराबर होगा, 1 - sin square r के, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, देन x बराबर 2μt/cos r into cos square r, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 2μt cos r, 2μt cos r। अब देखो पार्ट डिफरेंस आपका ये आया है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं आया, रीजन क्या है, क्योंकि देखो अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको पता है कि पानी की एक्चुअल जो डेप्थ है वो आपको दिखती नहीं, आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा अबव है, क्या है, थोड़ा सा अबव है, ऐसी तो दिखता है, तो हमको एक्चुअल नहीं दिखेगी, तो हमको इसमें से अपनी तरफ से माइनस करना पड़ेगा, ये बाद में करेक्शन किया गया था, ठीक है, ठीक है। डेरिवेशन आपका इतना ही है बाद में, लेकिन -π/2 भी इसमें से करा गया था, पहले इतना नोट करो फिर लिखवा के बताता हूं आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो लिखो क्या, this path difference is not actual, but it is apparent because when the light is reflected from the surface of an optically denser medium, ठीक है, a phase change
ऑफ पाई इक्विवेलेंट ऑफ पाई इक्विवेलेंट टू अ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू अकर्स. ठीक है. देयरफॉर द पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टू म्यू टी कोस आर माइनस का लैम्डा बाय टू. आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना है. ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम मिनिमा आप निकाल ही लोगे, बस इसको एन पाई के बराबर रख देना और मिनिमा के लिए टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू के बराबर रख देना, सॉरी एन लैम्डा के बराबर रख देना मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, और मिनिमा फाइंड करने के लिए टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू के बराबर रख देना. ठीक है, बस इतना ही करना है आपको. ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए करोगे तो बस आप सेम यही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस अपोजिट है, तब आपको यहां से यहां ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आज के लिए देखते हैं. थैंक यू.